चॅलेंजर बॉयज ग्रुप का संगमपाड़ा सुखकर्ता भिवंडी संगमपाड़ा स्थित चॅलेंजर बॉयज ग्रुप द्वारा संगमपाड़ा सुखकर्ता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार इस वर्ष 11 फीट का गणपति लगाकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शन लेने के लिए समाज के कई पदाधिकारी और अन्य कई लोग आकर दर्शन लेते हैं। बता दें कि चैलेंजर बॉयज ग्रुप सामाजिक स्तर पर विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण, इसी प्रकार गणेशोत्सव में भंडारा लगाकर लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक बनाने हैं तो वड़ियाल शंकर, अंबादास सोमा, कुचन सुरेश बंडी, भिक्षापति चंदू भूसा और अन्य उनके ग्रुप के लोग मिलकर सफलतापूर्वक त्यौहार मनाते हैं। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने हैं तो वो सुवाड़ के पद्मशाली समाज पुड़ारी जनार्दन बलभद्रा, नरेंद्र रविंगल, श्रीनिवास सिरमल्ले भी उपस्थिति देते हैं। चलिए देखते सो के एक झलक। संगमपाड़ा हिंदू वस्ती कमी असताना सुद्धा इथले पद्मशाली समाजाचे लोक आणि त्याचबरोबर इथले स्थानिक लोक यांनी मिळून 31 वर्षापासून इकडे गणेशोत्सव साजरा करत आहेत। अत्यंत चांगला उत्साहाने या ठिकाणी 5 दिवसाचा सार्वजनिक गणेशोत्सव या ठिकाणी मनवतात, त्याबद्दल शंकर आहे आणि त्याच्या पूर्ण टीमला मी अभिनंदन करतो। आणि त्याचप्रमाणे दरवर्षी त्यांनी शेवटच्या दिवशी भंडारा देऊन इथल्या स्थानिक लोकांना एक प्रसाद महाप्रसाद वाटप करतात, त्याबद्दलसुद्धा त्यांचा अभिनंदन करतो। असेच ऐक्यता आणि असे सर्व मिळून जुळून या समाजाचं कार्य, गणेशाचं कार्य हे करत राहावं आणि तो गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद या सर्व स्थानिकांवर लाभो अशी मी गणेशजींनी प्रार्थना करतो। बहुत अच्छा लगा, गया 3 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, गणपति बप्पा का दर्शन ले रहा हूँ। उनका नियोजन भी एकदम अच्छा रहता है, साफ सुथरा एकदम पंडाल भी एकदम अच्छा रहता है। और खासकर अपना चैलेंजर युवा ग्रुप को, युवा बॉयज को, उनको मैं गणपति का हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और कुम्भड़पाड़े से ये लोग जब राखी पौर्णमी का हमारा समाज का रैली निकलती है उसमें भी उनका सहयोग बहुत बड़ा रहता है, इसके लिए उनको उसके लिए भी उसको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और आने वाले दिनों के लिए उसको कोई संदेश वगैरह देना चाहते हैं इनको या समाज के लोगों को? पद्मशाली समाज का युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश, हम लोग पद्मशाली समाज से कोशिश कर रहे हैं और अपना युवा आगे आना चाहिए। अपन खाले अपना समाज में ही बढ़ा नहीं, जो राजनेता उनके उसमें भी अपने लोग बड़ा पैमाने पर उस पर रहना कि मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ। श्री हरि जगत पिता दूर करी तो व्यथा, ऐक सत्य नारायणाची कथा। फुल का मुको राजा होता महाथोर, तयाची पत्नी होती सुंदर। नदी किनारी एकदा त्यांनी घातली महापूजा दोघांनी। आले एक नौका त्याच मार्गानी, नाव भरलेली पूर्ण द्रव्यानी। होती व्यापारी साधू बाण्याची, रीत पाहण्यास आला पूजनाची। उल्का मुकु त्यास बोले ऐकावे, व्रत नारायणाचे आचरावे। मनो इच्छित फळ चरणी श्री हरी चला गावे। घराशी आला वाणी परतून, तयाची पत्नी होती शिलवान। तयास नव्हते काही संतान, केला नवस म्हणून वाण्यानं।